देखिए दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दी है। धीमे धीमे मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी सभी चीजें के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज मैं आपके सामने क्लास 10th की मैथमेटिक्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त क्लास 10th में है दोस्तों, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप मैथमेटिक्स में 90% से ज्यादा स्कोर करेंगे। और हमें अंत में आप कमेंट करेंगे रिजल्ट आने के बाद कि हाँ सर, जो जो क्वेश्चन आपने बताया था वही वही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए थे, वही वही क्वेश्चन हमारे पेपर में आए थे। तो चलते हैं दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बात करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए दोस्तों आप देने जा रहे हैं, या उसके बाद भी आप जब भी एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीबीएसई बोर्ड कई बार पूछा है। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो पर। देखिए एक्सरसाइज 1.1 से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। अब आपके पास समय बहुत कम है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिए केवल। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं 1.2 पर। तो 1.2 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, 4 से 5 सालों में क्वेश्चन आया हुआ है। 1.3 में दोस्तों देखिए केवल 3 ही क्वेश्चन आपके पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप रूट 5 यहां दिया है, तो आप रूट 7 के लिए, रूट 3 के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड में अगर आपको करना है तो 6+√2 इसका थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए। यही आपकी एक्सरसाइज 1.3 है और आपका चैप्टर 1 यहां पे खत्म हो गया। 1.4 में और 2.1 में आपको कुछ नहीं करना है। 2.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर आप 1 का पार्ट 4th, पार्ट 6th, पार्ट 3rd, पार्ट 5th, ये चार पार्ट केवल दोस्तों आपको सॉल्व करके जाना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्ट 4th आपका, पार्ट 5th, पार्ट 6th और पार्ट 3rd। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 5th, पार्ट 6th ये आपको सॉल्व करना है। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आपको देना है। एक पार्ट आप कर लेंगे तो बचे 6 पार्ट को भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। 2.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th तो आप छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल इन दोनों में से क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये पार्ट में आपको जो बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में आप 3rd पार्ट सॉल्व करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th दोस्तों आप करके जाइए, यही आपके पॉलीनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। 3.2 में दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपसे कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इनको तो आप करके ही जाएगा। इसके बेस पे आपको सकता है डिजिट चेंज कर दिया जाए लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। 3.3 में आप देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सेकंड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड और सिक्स्थ पार्ट, इसको तो आप करके जाइएगा। और रूट वाले क्वेश्चन को भी आप करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3rd में पार्ट 1st, पार्ट 2nd, पार्ट 4th, पार्ट 5th, पार्ट 6th। हाँ दोस्तों, ये तीनों छोड़ के मत जाइएगा। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5th दोस्तों जो इसका है, पार्ट 5th और पार्ट 6th, एज बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों लीनियर क्वेश्चन से पूछा जाता है, एज बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज। 3.4 में आप देख लीजिए फर्स्ट का केवल आपको पार्ट 4th करना है। मैं आपको जो बोल रहा हूं आप यही करिएगा, पार्ट 4th आप इसमें सॉल्व करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें देखिए, इसके बाद आपको यहां पे 4th और 5th यहां पे आपको दोनों क्वेश्चन करना है। एज बेस्ड क्वेश्चन आप नहीं यहां पे कर सकते हैं, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ यही आपको करना है दोस्तों इंपॉर्टेंट में, इतना ही क्वेश्चन आपको करके जाना है। चलते हैं दोस्तों अगले एक्सरसाइज पे। 3.5 में दोस्तों देखिए सेकंड में आप पहला और दूसरा पार्ट ये दोनों आप करके जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे है दोस्तों, ये आपका आएगा ही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th के दोस्तों पार्ट आपको करना है 4th और 5th, यहां पे प्लेसेस ए एंड बी, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन और यहां पे आपको एक मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पे करना है। 4th और 5th वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दोस्तों 5th वाला है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो पार्ट 5th आपको इसका करना ही है। 3.6 में आपको पार्ट 5th, पार्ट 4th, पार्ट 7th, पार्ट 8th करना है। इसके बाद आपको 2nd में पार्ट 3rd, इतने क्वेश्चंस दोस्तों आपको इस चैप्टर से करने हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर पे। 1 में आपको दोस्तों देखिए ध्यान से, पहला पार्ट इसका, इसका आपको 3rd पार्ट और 4th पार्ट, ये 4.1 से आपको करना है। 4.2 से आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट में आपको 3rd पार्ट, 4th पार्ट और 5th पार्ट, ये आपको 4.2 से करना है दोस्तों।
तो पॉइंट थ्री में आपको करना है 8, 9, 10 और 11। हाँ दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन और ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड में लगातार पूछा जाता है, हर साल के अंतर पे क्वेश्चन आता है, या तो आपका 9th वाला क्वेश्चन आएगा या तो आपका 10th वाला। तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा केवल आप 8, 9, 10, 11 इन चार क्वेश्चन को आप इस एक्सरसाइज से करके जाइए। पॉइंट फोर में आपको टीचर्स बोलेंगे क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 4th और सेकंड में आपका सेकंड पार्ट, ये आपको करके ही जाना है। कोई भी एक्सरसाइज दोस्तों एनसीईआरटी की बेकार नहीं है, तो इसलिए आपको हर एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। अब दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5th आपका, इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहां से करना है 5.2 में। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर आपको 18 नंबर क्वेश्चन करके जाना है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले एक्सरसाइज पे, देखिए 5.3 से आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये पांच क्वेश्चन आपको इधर से करने हैं। और मैं आपको बता दूं यहां पर नंबर 19 और 20, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया, आप हर सैंपल पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख सकते हैं इसको। और आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने से पॉइंट आउट नहीं किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। चलते हैं दोस्तों मेरे फेवरेट चैप्टर पे, आपके फेवरेट चैप्टर पर, ट्रायंगल्स पर। 6.1 आपको छोड़ देनी है, यहां पर दोस्तों आपको एक थ्योरम मैं रिकमेंड करूंगा, थेल्स थ्योरम, ये आपको लगाकर ही जाना है, ये दोस्तों बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, आपको करना होगा। 6.2 से आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको 6.2 से करके जाना है। 6.3 से आपको 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और 15, जितना मैंने आपको क्वेश्चन दोस्तों ट्रायंगल में कहा है आप केवल उतना पढ़ के जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे बिल्कुल। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको करके जाना है बिल्कुल। 6.5 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आपको करके जाना है दोस्तों ट्रायंगल में। चलते हैं अगले चैप्टर पर, ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों 7.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ये आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 8, 3rd, 4th और क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन पूछा गया है एक्स एंड वाई। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले एक्सरसाइज पर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप क्वेश्चन नंबर 8 को तो बिना सॉल्व किए एग्जाम में जाइएगा मत, क्वेश्चन नंबर 8 को और क्वेश्चन नंबर 9 को, ये दोस्तों यहां पर आपको करना होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट के यही है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां पर आपको करना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 जरूर करके जाना है। 7.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है दोस्तों, 4.7.3 में आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री पे, तो यहां पर आपको 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो आप करके ही जाइएगा, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड इसको पूछ लेता है। 8.2 में दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर ही बहुत लोग का नहीं आता है, इसका पार्ट फोर्थ, इसका पार्ट फिफ्थ, पार्ट फोर्थ को एकदम छोड़े मत जाइएगा, पार्ट फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इसके बेस पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर आप इसको लगा लेते हो तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। चलते हैं दोस्तों अगले एक्सरसाइज पर, 8.3 में दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब दोस्तों चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पर, 8.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद आपको इसका पार्ट 3rd, पार्ट 5th, पार्ट 6th, पार्ट 9th और पार्ट 10th, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें पार्ट 5th है और पार्ट 10th है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार आया हुआ है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में सबसे पूछने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 दोस्तों केवल एक ही एक्सरसाइज है, आप देख लीजिए, 9.1 से आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के जाना है, स्टॉर्म वाला, ट्री वाला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर 13 पूछा जाएगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, इन दोनों क्वेश्चंस में से अल्टरनेटिव वे में आता रहता है दोस्तों। चलते हैं अगले चैप्टर पर, सर्कल्स में दोस्तों देखिए 10.1 से कुछ नहीं आएगा, 10.2 में आपको पढ़ना है, तो 10.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है और ये हर बार आता है एग्जाम में, लगभग लगभग वे में किसी ना किसी वे में इस क्वेश्चन को जरूर दिया जाता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये इस चैप्टर की दोस्तों हार्ट एंड सोल है, इनको आपको लगा के जाना है। चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर पर। सेक्शन से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, तो 11.2 में आप 5 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिक क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने 12th चैप्टर पर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पर। आपको दोस्तों 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। 12.2 में हम चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 12.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और दोस्तों यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 13। यहां पे आपको 6 क्वेश्चन करना है, 11, 12, 13 और दोस्तों यहां पे आपको 7, 8 और 9, ये तीन क्वेश्चन आपको, ये 6 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करके ही जाने हैं। 3 में आपको केवल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पूछे गए मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। 4th में दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट इसका पूछा जाता है, इसके बाद आपको पार्ट 6 इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, चार क्वेश्चन दोस्तों इधर की पूछने ही पूछने हैं। इसके बाद इधर आप आ जाइए तो क्वेश्चन नंबर 13 और 15। हाँ दोस्तों 15 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लगभग लगभग बोर्ड में पूछा जाता है, कई सालों से सीबीएसई में पूछा जा रहा है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं मेंसुरेशन पर। 13.1 से आपको 2nd, 3rd, 4th और 6th लगाना है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन कैप्सूल वाला। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th कोनिकल 10th का क्वेश्चन 7th और 9th लगाना है 13.2 में। गुलाब जामुन का क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर पेन स्टैंड क्वेश्चन नंबर 4th आपको लगाना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3rd है और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4th है। 13.3 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये 6 क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आप फ्रस्टम ऑफ कोन पे चलेंगे अगले एक्सरसाइज पर। फ्रस्टम ऑफ कोन में दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लगा के जाना है। दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेंसुरेशन से रिलेटेड। दोस्तों स्टैटिक्स पे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको 14.1 में से लगा के जाना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको 14.1 में लगाना है, 14.2 में दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 लगाना है, इसके बाद 14.3 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको लगा करके जाना है, 13.4 में दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है, चैप्टर 15, हाँ दोस्तों प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 पिगी टैंक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। थे आपके कुछ सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको पीसीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज में, अगर आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आप डाउटनेट नाम की ऐप दोस्तों है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाके डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप उसका क्वेश्चन का फोटो खींच करके आप जो है सेंड करिए दोस्तों, उसमें आप कैमरे में आस्क योर डाउट पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल दोस्तों वहां पे आपको जाके देखना है और दोस्तों आपको एक्सपर्टाइज सॉल्यूशन डाउटनेट फैकल्टी द्वारा दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पीसीएम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों डाउटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट्स को दोस्तों पूछ सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है जो कोचिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा और दोस्तों वीडियो ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।